नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग CRPC कॉलेज लखनऊ। आज हम समाचार के अंग और समाचार लेखन के विविध रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा का उद्देश्य समाचार के बारे में जानना, समाचार की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानना, समाचार की रचना के आवश्यक अंगों को जानना, समाचार लेखन के आवश्यक तत्वों को समझना, समाचार लेखन में शीर्षक की भूमिका को समझना और समाचार लेखन में इंट्रो की भूमिका को समझना। इस चर्चा में हम समाचार की खूबियों के बारे में बताएंगे। समाचार वर्तमान में समाज का प्रमुख अंग बन गया है। एक बड़े तबके का बिना न्यूज़पेपर पढ़े सुबह की चाय अधूरी रहती है। जनसंचार का प्राण तत्व व निष्पक्ष भाव से तथ्यों की सूचना का विवरण समाचार है। इसमें समाचार के प्रमुख अंगों के बारे में चर्चा होगी। समाचार के प्रमुख अंगों में हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रो और सेस बॉडी का समावेश होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए सामग्री के गुणों के आधार पर पांच ककार का उपयोग भी समाचार का महत्वपूर्ण अंग है। बिना इसके कोई भी समाचार अधूरा लगता है। शीर्षक के बारे में चर्चा की जाए तो यह भी तमाम तरह के होते हैं और प्रायः संवाददाता विभिन्न तरीके के शीर्षकों का उपयोग तरह तरह के समाचारों में किया करते हैं। यही बात इंट्रो के मामले में भी लागू होती है। इंट्रो भी विभिन्न तरीके के होते हैं और यह समाचार के आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा समाचार भी कई तरह से लिखे जाते हैं, जैसे पिरामिड और उल्टा पिरामिड शेप। आजकल समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शेप काफ़ी लोकप्रिय है और इसे प्रायः सभी समाचार पत्र लेखन में उपयोग लाते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में खबरों के स्थान के मुताबिक लीड, सेकेंड लीड, बॉक्स, बॉटम व अन्य तरह के समाचारों की भी व्याख्या की गई है। इन्हीं मुख्य मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जनसंचार का प्राण तत्व समाचार है और पत्रकारिता की आधारशिला। निष्पक्ष भाव से तथ्यों की सही सूचना का विवरण समाचार है। समाचार में कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन और किसे का उल्लेख होता है। आजकल पृष्ठभूमि, प्रक्रिया, प्रभाव तथा निष्कर्ष के साथ व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग का महत्व बढ़ गया है। महत्वपूर्ण घटना जिसे संबंधित व्यक्ति दबाना चाहता है उसे प्रामाणिक रूप से प्रकाश में लाना अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता है। संप्रति हत्या, बलात्कार, दुराचार एवं जघन्य अपराध से समाज चिंतित है। अपराध जगत का खुलासा कर पत्रकार समाज में सदाचार का प्रसार पर बल देते हैं। समाचार संकलन के प्रति उत्सुकता, अनंत जिज्ञासा, वृत्ति, विश्वसनीयता, अध्ययनशीलता के कारण संवाददाता विशिष्ट बन जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस साक्षात्कार का वही सूत्रधार होता है। समाचार मनुष्य की ज्ञान पिपासा को शांत करने का साधन है। समाचार का अर्थ, समाचार को अंग्रेजी में न्यूज कहते हैं और न्यूज का बहुवचन न्यू है जिसका अर्थ होता है नया। न्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द नोवा से हुई है और जो संस्कृत के नव शब्द का समानार्थी है। सभी का एक ही अर्थ निकलता है, नवीन। यह भी सही है कि हर नवीन वस्तु सुंदर और आकर्षक लगती है। समाचारों के संदर्भ में यह बात शत प्रतिशत सही है। समाचारों को परिभाषित करने की कोशिशें बहुत हुई हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसी सर्वमान्य परिभाषा वजूद में नहीं आई है जो अपने आप में पूर्ण हो। फिर भी हम कुछ विद्वानों की परिभाषाएं आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन तिवारी की परिभाषा है कि सरल, सामयिक और सत्य सूचनाओं का विवरण ही समाचार है। KP नारायण के अनुसार समाचार किसी सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध और निष्पक्ष विवरण है जिससे उस समाचार पत्र में पाठकों की रुचि बढ़ती है जो इस विवरण को प्रकाशित करता है। सामान्य परिभाषा के तहत कह सकते हैं कि समाचार लोगों की जरूरतों के अनुसार उनकी अभिरुचियों से संबंधित सूचनाओं का एक संगठित, सुसज्जित रूप होता है।
समाचार के मुख्य अंग। जिस तरह से उपन्यास, कहानी या नाटक के कुछ निश्चित तत्व होते हैं जिनके कारण कोई रचना उपन्यास या कहानी या नाटक की संज्ञा से विभूषित होती है, उसी तरह पत्रकारिता लेखन में संबंधित गद्य विधाओं के लिए भी कुछ ऐसे तत्व निर्धारित किए गए हैं जिनके प्रयोग से समाचार बनता है। पत्रकारिता का उद्देश्य सूचना देना तथा सूचना के जरिए पाठकों को अपनी राय में शामिल करना होता है। पत्रकार अपने समाचारों या सूचनाओं से पाठक को घटना के पक्ष या प्रतिपक्ष में आसानी से खड़ा कर लेता है। समाचार सत्य घटना पर आधारित होते हैं। सत्य घटना भी बिल्कुल सामयिक होती है। घटना असाधारण होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होती है। असाधारण और महत्वपूर्ण घटना को जानने की उत्सुकता सभी में होती है। घटना के अच्छे या बुरे पक्ष होते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए मानवीय भावों से जुड़ी होती हैं। नए विचार, नए भाव आदि से जुड़े होने के कारण घटना ज्ञानवर्धक होती है। समाचार के अंगों को हम दो तरह से बांट सकते हैं, सामग्री के आधार पर और बनावट के आधार पर। सामग्री के आधार पर समाचार के लिए मुख्य रूप से जब तथ्यों का संकलन किया जाता है तो प्रायः उसमें कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी होता है। बिना इन तत्वों के समाचार अधूरा सा रहता है। वास्तव में समाचार के सूत्र बिखरे होते हैं। यह पत्रकार की प्रतिभा और श्रम पर निर्भर करता है। वह सूत्रों को पहचाने और उन्हें समाचार का रूप दे। समाचार के इन्हीं बिखरे तथ्यों को जुटाने के लिए 6 ककारों का बहुत महत्व होता है, जिन्हें अंग्रेजी में 5 W's and 1 H कहते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, व्हाट, क्या अर्थात घटना क्या है। दूसरा, कहाँ, वेयर अर्थात घटना किस स्थान पर घटित हुई। तीसरा, कब, व्हेन अर्थात घटना घटने का समय क्या है। चौथा, किसने, हु अर्थात घटना किसके साथ घटित हुई या घटना घटित की अथवा घटना का कर्ता कौन था। पांचवा, क्यों, वाई अर्थात घटना क्यों हुई या घटना का कारण क्या था। और छठा, कैसे, हाउ अर्थात घटना किस प्रकार घटित हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेजी पत्रकार एडविन एल सुमैन ने 1894 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में किया था। चूंकि इस सिद्धांत में सभी 6 सूत्रों का पहला अक्षर क से शुरू होता है, इसलिए इसे 6 ककार सिद्धांत भी कहते हैं। 5 सूत्रों का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के W से प्रारंभ होते हैं, जबकि 1 अक्षर अंग्रेजी के H से प्रारंभ होता है, इसलिए उसे 5 W's and 1 S थ्योरी भी कहते हैं। इस बात पर विवाद की गुंजाइश हो सकती है कि किसी समाचार के इंट्रो या आमुख में ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए या नहीं, लेकिन इस बात में विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी समाचार में सभी 6 ककार के उत्तर समाहित किए जाए या नहीं। ये सभी 6 ककार प्रायः हर समाचार में होने ही चाहिए। इसलिए जब संवाददाता किसी घटना के बारे में सूचना एकत्रित करे तो उसे इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए और इसमें दिए गए सवालों के उत्तर खोजने चाहिए। इसके बिना समाचार में परिपूर्णता नहीं आ सकती है। बनावट के आधार पर समाचार के अंग। बनावट के आधार पर समाचार को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, शीर्षक, इंट्रो और विस्तृत समाचार। इन्हीं के आधार पर समाचार का लेखन पूर्ण किया जाता है। इसके लेखन के भी कई तरीके हैं, पर मुख्यतः इसको लिखने के 2 तरीके काफ़ी प्रचलित हैं, पिरामिड स्टाइल एंड इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। पिरामिड स्टाइल, यह तरीका अब प्रचलित नहीं है। यह समाचार लिखने का पुराना तरीका अर्थात परंपरागत तरीका था। पहले इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें खबरों की विस्तार से व्याख्या का पहले उल्लेख किया जाता था तथा बाद में मुख्य बात लिखकर रिपोर्ट को समाप्त किया जाता था। दूसरे शब्दों में इस तरीके के अनुसार रिपोर्ट विस्तार से शुरू होकर संक्षेप में आती थी
अर्थात क्या, क्यों, कहाँ, किसने और कैसे की विस्तृत व्याख्या पहले दी जाती थी तथा आखिरी अनुच्छेद में दो तीन वाक्यों में इन छह ककारों का संक्षेप में बताया जाता था। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल यह समाचार लिखने का सबसे आधुनिक तरीका है। यह पिरामिड तरीके से बिल्कुल उल्टा है। इसमें खबरों की मुख्य बात पहले अनुच्छेद में कही जाती है, अर्थात जिस अनुच्छेद को इंट्रो या लीड यानी इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, उसमें छह ककार कब, कैसे, क्या, कहाँ, क्यों और कौन को संक्षेप में उल्लेखित किया जाता है। रिपोर्ट की समाप्ति इस तरीके के अनुसार इन छह ककारों की व्याख्या से होती है। दूसरे शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण खबर पहले दी जाती है तथा कम महत्वपूर्ण बाद में, अर्थात खबर के तथ्यों के महत्व के अनुसार उसकी पुष्टि करके रिपोर्ट लिखी जाती है। यही इस स्टाइल का ढांचा है। समाचार लेखन के विविध रूप। स्पष्ट है कि समाचार लिखने के लिए जिन मुख्य अंगों का विशेष महत्व होता है वह शीर्षक, इंट्रो और विस्तृत समाचार होते हैं। अतः शीर्षक और इंट्रो आदि के तरीके पर भी समाचार के रूप में पहचान कर सकते हैं। शीर्षक, मानव शरीर में जो शीर्ष का महत्व है वही समाचार में शीर्षक का है। शीर्षक समाचार का प्राण और उसके सार का विज्ञापक है। समाचारों के शीर्षक से यह बोध हो सकता है कि समाचार पत्र की विचारधारा, नीति और परंपरा किस प्रकार की है। शीर्षक समाचार पत्र की मनोभावना को स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। शीर्षक कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण पांति यानी फुल लाइन, इस तरह के शीर्षक में उसके शब्द निर्धारित कलम की लाइन से अधिक नहीं होने चाहिए। शीर्षक के लिए जो टाइम, कॉलम, अक्षर, मात्रा का चुनाव किया जाए वह निर्धारित कॉलम में पूरे के पूरे भर जाने चाहिए। विलोम स्तूपी शीर्षक, स्तूप का ऊपरी भाग सबसे छोटा होता है और निचला भाग चौड़ा। इसके विपरीत हुआ विलोम स्तूपी शीर्षक का आकार। इस तरह के शीर्षक में ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का भाग क्रमशः कम होता है। विलोम स्तूपी शीर्षक का अधिक विस्तार अच्छा नहीं माना जाता है। इसका अधिकतम तीन विस्तार ही अच्छा लगता है। सोपानी शीर्षक, शीर्षक जब सोपान सीढ़ी यानी सीढ़ी की तरह बनाया जाता है तो उसे सोपानी शीर्षक कहते हैं। इसमें शीर्षक की हर लाइन एक बराबर सीढ़ी नुमा होती है, न कोई कम और न कोई ज्यादे। विलोम सोपानी, विलोम सोपानी शीर्षक सोपानी शीर्षक का उल्टा रूप है। इसमें शीर्षक की सभी लाइनें बराबर नहीं होती हैं, यह या तो बाईं तरफ घटती जाती हैं या तो दाहिनी तरफ। आयताकार शीर्षक, शीर्षक का स्वरूप आयताकार भी बनाया जा सकता है। आयताकार शीर्षक से अभिप्राय है कि जितनी भी लाइन बनाई जाए वे कालम को पूरी भरने वाली हों। कट शीर्षक, शीर्षक का एक स्वरूप नारी की कमर या डमरू के सदृश होता है, अतः उसको कटी की संज्ञा दी गई है। यह शीर्षक चाहे एक कालम हो या उससे अधिक चौड़ा एक ही टाइप में तीन पंक्तियों को बनाता है। इसमें पहली पंक्ति पूरी, दूसरी पंक्ति दोनों छोरों की ओर से समान रूप से कुछ छोटी तथा तीसरी पंक्ति पुनः पूरी होनी चाहिए। ब्लॉक शीर्षक, जब मुख्य शीर्षक के बाद एक ब्लॉक यानी बिंदु लगाकर उप शीर्षक कुछ हल्के टाइप में लगाते हैं तो इसे ब्लॉक हेड या ब्लॉक शीर्षक कहते हैं। कपाली शीर्षक यानी मस्तक रेखा शीर्षक, समाचार पत्रों में कभी कभी विशेष समाचारों में मुख्य शीर्षक के ऊपर एक उप शीर्षक छोटे फॉन्ट साइज में देने की परिपाटी है। इस उप शीर्षक को आकर्षक बनाने के लिए नीचे रूल लाइन भी लगा दिया जाता है। इसे ही कपाली या मस्तक रेखा शीर्षक कहते हैं। पताका शीर्षक, इसे बैनर लाइन भी कहते हैं। इसमें मास्ट हेड यानी समाचार पत्र की नाम पट्टिका के नीचे सभी कालमों में पूरी चौड़ाई में शीर्षक दिए जाते हैं। अब एक कालम छोड़ने का ट्रेंड भी शुरू हुआ है। सबसे मोटे फॉन्ट साइज में दिए जाने वाले शीर्षक को पताका यानी बैनर की संज्ञा दी जाती है।
जैसे पताका सबसे ऊपर दिखता है, उसी प्रकार पताका शीर्षक भी सबसे ऊपर खबर के सबसे महत्वपूर्ण होने की गवाही करता है। गगन रेखा यानी स्काईलाइन शीर्षक, इस तरह का शीर्षक ऐतिहासिक होता है, शायद ही कभी देखने को मिलता है। यह शीर्षक समाचार पत्र की नाम पट्टिका के ऊपर दिया जाता है, अर्थात यह एक असाधारण घटना पर संपादक का असाधारण निर्णय होता है। कुछ समाचार पत्रों ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर इस शीर्षक का उपयोग किया था। क्रॉसर शीर्षक, समाचार के मुख्य अंशों की तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्य शीर्षक से प्रायः छोटे फॉन्ट साइज में समाचारों के बीच में दिए गए शीर्षकों को क्रॉसर कहते हैं। ऐसे शीर्षक एक या उससे अधिक हो सकते हैं। ये शीर्षक कॉलम के बीचों बीच भी हो सकते हैं और एक तरफ भी। प्रायः यह देखा गया है कि इस तरह के शीर्षक बाईं ओर की पंक्तियां एक सीध में बराबर होती हैं, जबकि दाईं ओर की पंक्तियां घट बढ़कर भी हो सकती हैं। इन शीर्षकों में बाईं तरफ बुलेट लगाकर इनके सौंदर्य को निखारने का कार्य किया जाता है। उपशीर्षक, उपशीर्षकों का उद्देश्य भी समाचारों के अलग अलग बिंदुओं की ओर पाठकों का ध्यान त्वरित रूप से खींचना होता है। खास तौर पर ऐसे शीर्षकों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब घटना के विभिन्न बिंदुओं की ओर पाठकों का ध्यान खींचना आवश्यक होता है। ये शीर्षक प्रायः एक या आधा कॉलम में एक पंक्ति में होते हैं, कभी कभी अपवाद स्वरूप दो व्यक्तियों में भी दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी शीर्षकों के उल्लेख आते हैं, जिनमें कैप्शन हेड, फीचर हेड, स्टैंडिंग हेड, जंप हेड, स्प्रेड हेड, आईब्रो हेड, ब्लैंकेट हेड, बॉक्स हेड, हुड हेड आदि हैं। इनका भी समाचार पत्रों में पर्याप्त उपयोग किया जाता है। इंट्रो, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन का लघु रूप इंट्रो है, जिसे हिंदी में आमुख या मुखड़ा कहते हैं। आमुख को पूरे समाचार का प्रदर्शन कक्ष यानी शो विंडो भी कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्वों की संक्षिप्त प्रस्तुति होती है। एक कहावत है, यदि किसी चीज़ की शुरुआत ठीक हो गई तो समझिए कि आधा काम हो गया। इंट्रो लिखने में इस बात का ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी होता है। आज़ादी से पहले सीधे सपाट शब्दों में समाचार लिख दिए जाते हैं, लेकिन बाद में बढ़ती व्यावसायिकता को देखते हुए इंट्रो का महत्व बढ़ता गया और समाचार लिखने का तरीका भी पिरामिडिकल आकार के बजाय उल्टा पिरामिड आकार में बदलने लगा। इंट्रो भी कई प्रकार के होते हैं। सारांश आमुख, इस आमुख में समाचारों के मूल भाव को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। विस्तृत आमुख में प्रमुख घटना से संबद्ध सभी बातों को लिखा जाता है। कभी कभी दो अनुच्छेदों का भी प्रयोग होता है। दुर्घटना आमुख, घटना संबंधी आमुख में व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरण सविस्तार लिखा जाता है। पंच आमुख, इस तरह के आमुख में संवाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को क्रमशः लिखा जाता है। आश्चर्यजनक आमुख तथ्यों के साथ लिखे गए इंट्रो को आश्चर्यजनक आमुख कहते हैं। उद्धरण आमुख, सभाओं और गोष्ठियों में व्यक्ति के विचारों को समाचार के इंट्रो के रूप में देने के लिए इस प्रकार के आमुख का उपयोग किया जाता है। सुक्ति आमुख, सार्वभौम सत्य को सुक्ति आमुख के रूप में लिखा जाता है। कारतूस आमुख, बड़ी घटना को पैने स्वर एवं सीधे वाक्य में कारतूस आमुख को लिखा जाता है। इसके अलावा अभिरुचि आमुख, सामान्य आमुख, प्रश्न आमुख, संज्ञा वाक्यांश आमुख, अलंकारिक आमुख, व्याख्यात्मक आमुख, आज आमुख, संक्षिप्त आमुख आदि का भी उपयोग आमुख लिखने के लिए किया जाता है। समाचार लिखते समय शीर्षक, जरूरी होने पर उपशीर्षक और क्रॉसर भी, और इंट्रो की भूमिका तो महत्वपूर्ण होती ही है। इसके लेखन में कुछ और महत्वपूर्ण अंगों का उपयोग किया जाता है। बिना इसके समाचार को पूर्ण नहीं किया जा सकता।
इसमें मुख्य रूप से क्रेडिट लाइन, डेट लाइन और शेष समाचार होते हैं। क्रेडिट लाइन या बाई लाइन, इसे मीडिया में प्राप्ति स्वीकार कहते हैं। जिस स्रोत से समाचार या चित्र प्राप्त होते हैं उसका उल्लेख इस लाइन में किया जाता है। यह प्रायः शीर्षक और जरूरी होने पर उपशीर्षक के बाद और डेट लाइन से पहले दिया जाता है। कभी कभी डेट लाइन के बाद भी क्रेडिट लाइन देने का प्रचलन देखा गया है। इसमें जब संवाददाता का नाम दिया जाता है तो उसे बाई लाइन कहते हैं। डेट लाइन, डेट लाइन क्रेडिट लाइन के बाद प्रायः उपयोग किया जाता है। इसमें जहां का समाचार होता है उस स्थान या उसके निकट के प्रसिद्ध स्थान का जिक्र किया जाता है, इसे ही डेट लाइन कहा जाता है। इसमें पहले उस दिन के दिनांक का भी उल्लेख होता था, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो गई है और इसके पीछे यह दलील दी जाती है कि जब एक बार समाचार पत्र के पृष्ठ पर दिनांक दे दिया जाता है तो प्रत्येक समाचार के साथ तिथि का लिखा जाना समय, स्थान और श्रम की बर्बादी है। शेष समाचार, एक अच्छे समाचार की सफलता का राज संक्षिप्त और प्रभावशाली इंट्रो होता है, लेकिन उसके बाद का समाचार लेखन शेष समाचार कहलाता है। अच्छा और उपयुक्त इंट्रो लिख देने के बाद शेष समाचार का लेखन आसान हो जाता है। फिर भी शेष समाचार का लेखन पत्रकार की कुशलता पर निर्भर करता है। शेष समाचार को समाचार की काया, बॉडी कहते हैं। यह इंट्रो के बाद समाचार का विस्तृत विवरण होता है। समाचार पत्रों में स्थान के अनुसार समाचार के विविध रूप, समाचार पत्रों में स्थान के कारण भी समाचारों की पहचान की जाती है, जैसे लीड खबर, सेकंड लीड, बॉक्स, बॉटम, अन्य समाचार। इनके अपने अपने महत्व हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। लीड खबर, समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण खबर को लीड खबर कहा जाता है। यह प्रायः अंग्रेजी के जेट पैटर्न के सिद्धांत के मुताबिक समाचार पत्र के बाईं तरफ पहली खबर को माना जाता है। इसका शीर्षक फॉन्ट साइज में अन्य समाचारों के शीर्षक से बड़ा होता है। इस खबर का स्थान और कालम भी अन्य खबरों से ज़्यादा होता है। यह देखने भर से ही पता चल जाता है कि यही समाचार पत्र की मुख्य खबर है। कभी कभी अन्य स्थानों पर इस खबर को लगाने की परंपरा रही है, फिर भी फॉन्ट साइज और स्थान का उपयोग पहले की तरह ही होता है। सेकंड लीड, समाचार पत्र में दूसरी महत्वपूर्ण खबर सेकंड लीड कहलाती है। यह लीड खबर से अपेक्षाकृत फॉन्ट साइज में कम साइज का और शीर्षक तथा स्थान में भी कम उपयोग किया जाता है, फिर भी अन्य समाचारों से यह फॉन्ट साइज और स्थान में विशिष्ट होता है। इसे प्रायः लीड खबर के दाहिनी तरफ या उसके इर्द गिर्द समाचार पत्र में ऊपर की तरफ ही स्थान दिया जाता है। बॉक्स समाचार, यह भी एक तरह का विशिष्ट समाचार होता है, जो कि लीड और सेकंड लीड तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे खबरों को बॉक्स बनाकर रंगीन पृष्ठ पर कलर आदि से सजाकर प्रस्तुत किया जाता है, ताकि यह खबर पाठक को लीड और सेकंड लीड के बाद बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर ले। बॉटम समाचार, बॉटम समाचार भी उस दिन का महत्वपूर्ण समाचार होता है। प्रायः यह समाचार सॉफ्ट प्रकृति का फीचर समाचार होता है। यह अखबार के पृष्ठ के सबसे निचले हिस्से में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए अधिकतर समाचार पत्रों में चार कालम का स्थान नियत होता है और फोटोग्राफ्स भी बॉटम समाचार का अहम हिस्सा होते हैं। यह आकर्षक होता है तथा इसके आकर्षण को बढ़ाने के लिए खबर के शीर्षक के ऊपर रूल लाइन का भी उपयोग किया जाता है। यह पूरे पृष्ठ पर बनावट के आधार पर बिल्कुल अलग तरह की खबर होती है। अन्य समाचार, समाचार पत्रों में लीड, सेकंड लीड, बॉक्स और बॉटम खबरों को छोड़कर सभी समाचार इस श्रेणी में दर्ज किए जा सकते हैं। इनमें से वे सभी समाचार होते हैं जो पाठकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उनका पृष्ठ पर रहना जरूरी होता है। ये खबरें एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम में भी हो सकती हैं।